हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं जॉन तात्सुया और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं गाइस WWE 2K23। क्या बोला तूने? तो आज गाइस हम लोग 2K23 खेलने वाले हैं, जिसमें हम लोग जॉन सीना का शोकेस खेलने वाले हैं, जो कि स्पेशली बनाया गया है इस गेम के लिए, जिसमें हम लोग गाइस जॉन सीना के करियर के बेस्ट मोमेंट्स को खेलने वाले हैं, रीलिव करने वाले हैं। इसका मतलब हम लोग वही मैचेस खेलेंगे इम्पोर्टेंट वाले, जो जॉन सीना ने खुद खेले, लेकिन जॉन सीना नहीं बनके बल्कि उसके ओपोनेंट्स बनके। लेकिन गाइस, उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग का बेस्ट जॉन सीना मोमेंट कौन सा है, कौन सा वो मैच, कौन सा वो मोमेंट है आपका जो फेवरेट है। गाइस कमेंट करके याद से बता दो। तो गाइस, हमारा पहला मैच जो है वो होने वाला है वर्सेस रॉब वैन डैम, और शॉर्ट में बोले तो RVD, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एजाइल रेसलर्स है जो WWE में अभी तक आए हैं गाइस, और बहुत ही खतरनाक रेसलर है। RVD को तो सब जानते ही होंगे, जिसने भी पेन वाला स्मैकडाउन खेला है, WWE का बहुत पुराना वर्जन। लेकिन गाइस, ये जो मैच है रियल में हुआ था और ये मैच बहुत ही खतरनाक हुआ था यार। जॉन सीना के सपोर्ट में कोई भी नहीं था, मैंने तो ये खुद मैच देखा है। सीढ़ी ला के मैं पहले देखता था ये मैचेस, और मैंने देखा था यार कितने गंदी तरीके से जॉन सीना को बू कर रही थी ऑडियंस। तो हम लोग टाइम ट्रेवल करके उसी मैच में आ चुके गाइस ECW वन नाइट स्टैंड के WWE चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे हम लोग हैं रॉब वैन डैम RVD, और हमें जॉन सीना को हराना है। लेकिन यार, इनका ये कोई जो सिस्टम है ऑब्जेक्टिव्स पार करने का, ये बहुत फालतू सिस्टम है। तो इस पे देखते हैं, अगर मेरे से होता है तो मैं करूँगा, वरना देखते हैं जो भी हो रहा है उतना करेंगे। और ये क्या है, पहले ही पिनफॉल मुझे आता है काटना में से, बस हमें करेक्ट टाइम पे उसको फ्लिकअप करना है बटन को। रुक जाओ, पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है यार, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, पहले मैं बच लूँ। नाइस डॉज, चलो। अरे मस्त मारा गाइस, ये देखो जैसे ही मैं इसको डैमेज दूंगा वाइट वाली लाइन भर जाएगी पूरी, और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो रॉब वैन डैम बहुत बढ़िया तरीके से मार रहा है, बस एक और मुक्का, और इसी के साथ जॉन सीना को अच्छा खासा डैमेज पड़ जाएगा, और ऊपर चढ़ के बहुत ही खतरनाक DDT गाइस। और अब गाइस हमें बाहर फेंकना है इसको, है ना? ठीक है, लेकिन लेटे हुए बंदे को उठाते कैसे वो मुझे नहीं आता है। अरे ये तो गलत अटैक मार रहा है भाई, उठाना है हमें इसे। ठीक है, तो इसको खुद उड़ जान देते हैं। ओह, उठ के मुझे ही लिटा दिया। रुको, अरे यार ये रिंग के बाहर क्यों जा रहा है रॉब वैन डैम, ये बहुत गलत होने वाला है। और मार दी आधी स्पीयर जो भी था ये। चलो उठो, खुद ही बाहर फेंक दिया इसने, अब मुझे इसको वापस अंदर डालना पड़ेगा इस। नाइस रिवर्सल बाय RVD, और अब इसको मारो थोड़ा सा अंदर। चलो पहले तो ये आ जाएगा पीछे पीछे। चलो जॉन सीना जल्दी अंदर आओ, बाहर क्या कर रहा है ये, अरे क्या घूम रहा है ये। अरे अरे अरे, टांग खींचाई नहीं करनी भाई, नो चीटिंग। चलो अंदर आ चुका है, और अब रॉब वैन डैम इसको बाहर फेंकेगा, लेकिन ये हाथ में ही नहीं आ रहा है। अरे यार कोने में नहीं फेंकना था, पता नहीं यार ये बाहर फेंक क्यों नहीं पा रहा है इसको, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन यार हो नहीं रहा है, और फाइनली फेंक दिया है। चलो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट गाइस। नेक्स्ट क्या है, चेक आउट द कॉम्बो स्क्रीन टू यूज देम ऑल। ये मैच गाइस याद से जाके एक बार यार देखना यार, यूट्यूब पे होगा वैसे तो, यार वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और मज़ेदार मैचेस है जो मैंने आज तक देखा है WWE में यार, बहुत ही खतरनाक मैच था यार। मुझे तो कॉम्बो समझ ही नहीं आ रहा है सही बताऊँ तो, बस पीटे जा रहा हूँ और ये ब्लॉक हो रहा है थोड़ा बहुत, और अच्छा खासा ब्लॉक RVD का, और फिर से वही हैवी अटैक। ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है जॉन सीना, इसको बाहर नहीं जाने देने, पेरी पैर पर लात लात मारो ताकि लंगड़ा हो जाए और चल ही नहीं पाए। और अच्छा खासा कॉम्बो रिवर्स कर दिया भाई इसने, कोई दिक्कत नहीं, और मेरे से रिवर्स नहीं हुआ गाइस। RVD यहाँ पे पिटाई चालू, और नीचे चला गया, और यहाँ पर ऊपर से कूदने वाला है जॉन सीना, लेकिन रिवर्सल मारना पड़ेगा, बहुत ही तगड़ा रिवर्सल जो भी थी ये सुप्लेक्स। और रिंग के बाहर लड़ाई चालू हो चुकी है, पीठ ही पीठ पे मुक्के दिए जा रहे हैं, और एक्सचेंज हो रहे हैं मुक्के बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन अब भाई को अंदर ले जाना पड़ेगा। ये क्या है भाई, HHH वाली पेडिग्री, नहीं नहीं नहीं, बटिस्टा मिक्स कर दिया, और कुछ भी दो दो स्मैक मिक्स करके मार दिया RVD ने, और यहाँ पे समझ नहीं आया कहाँ से घूम के लात मारी। सब दबा के देख लिया गाइस मैंने, कॉम्बो वॉम्बो ये नहीं मार रहा है, जैसे बटन बोला था वैसे ही दबा रहा हूँ। और यहाँ पे 5 नक्कल चफल नहीं है, ये तो स्मैक है,
गाइस एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ चुकी है रॉब वैन डैम में, कटी नहीं आ रहे तो, और लगता है काउंटिंग हो जाएगी और टू और किक आउट कर दिया सही टाइम पे, वरना तो जॉन सीना ये मैच जीत ही चुका था। अब इसको भाई धोना पड़ेगा क्योंकि पूरा लाल हो चुका है आरवीडी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कॉम्बो मेरे बस की नहीं है, नहीं पड़ रही है। तो जॉन सीना को लिटा दिया है आरवीडी ने, अब बस फाइनल मोमेंट की तैयारी और लगता है अब तो पड़ ही जाएगी। हट गया जॉन सीना एंड टाइम पे और टॉन्ट भी मार दिया आरवीडी को, लेकिन घूम के वापस दिए लात। यार तीन तीन फिनिशर है लेकिन एक भी पड़ नहीं रही है, ऐसे ही काउंटिंग कर लेते हैं। वन टू और थ्री, जीत गए बिना कुछ मारे, यहाँ पे जीत चुके हैं और रॉब वैन डैम फाइनली गाइस WWE चैंपियन बन चुका है। तो हमारा अगला जो मैच है गाइस वो है जॉन सीना का डेब्यू, जो कि शायद बहुत लोगों ने देखा होगा, जिसमें लाल चड्डे में आता है जॉन सीना अंदर और कर्ट एंगल से भिड़ंत हो जाती है, तो वही सीन आज वापस रिक्रिएट होने वाला है। ओके तो स्क्रीन आ चुकी है गेम प्ले पे, अब हम लोग हैं गाइस कर्ट एंगल और हमें एक बिल्कुल ही बिगिनर जॉन सीना को हराना है। उठा दिया है चलो बंदे ने, इसको पहले रिवर्स मारना पड़ेगा और यहाँ पे कर्ट एंगल का रिवर्सल। ओके बढ़िया है, उठो जॉन सीना, अब कर्ट एंगल दिखाएगा कि खेलते कैसे हैं बिगिनर को। और ये पहली स्लैम गाइस, एक तो बाद में बता दूँ कर्ट एंगल के जितने भी मूव्स हैं ना वो सारे रेसलिंग मूव्स है, क्योंकि शायद रेसलर ही है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा हैवी डैमेज वाले अटैक देने लग रहा है, ठीक है भाई। ये देखो भाई सुप्लेक्स, देखो ये वाली सुप्लेक्स बहुत खतरनाक है, शायद कोई और नहीं मारता है, वैसे एक मारता था यार सिजारो मारता था ये वाली शायद से, लेकिन ये बहुत ही अच्छी मूव है गाइस, लगातार मारना यार बहुत मुश्किल है बिना छोड़े वो भी बंदे को। ये देखो फिर मार के दिखाता हूँ, ये गाइस कर्ट एंगल यहाँ पे जॉन सीना को पूरा लाल कर देगा यार मार मार के, लेकिन अभी तक जॉन सीना की बॉडी पे बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है गाइस इतना मारने के बाद भी। और छूट गया यहाँ पे ग्रैपल और उठा लिया जॉन सीना की एटीट्यूड एडजस्टमेंट, लेकिन ब्लॉक हो चुकी है बाय कर्ट एंगल और भगाया आयरिश व्हिप, और ये फिर यहाँ पे गदापंती लेकिन एक मुक्के के साथ नीचे। चलो अब यहाँ पे कहीं हाथ हो रही है सिग्नेचर, वो यही है क्या? नहीं ये सिग्नेचर नहीं लग रही गाइस, और मारना पड़ेगा करेक्ट, इसके पैर पे आना पड़ेगा तभी पड़ेगी वो, यही है क्या सिग्नेचर? लग तो रहा है यही है गाइस, क्या यही है सिग्नेचर? कर्ट एंगल की सिग्नेचर आ चुकी है, ये ब्लॉक कर दी जॉन सीना ने। एक न्यू प्लेयर होने के बावजूद भी जॉन सीना काफ़ी बढ़िया खेल रहे, और देखा है इसका मूव रेसलिंग वाला मूव गाइस, प्योर रेसलिंग वाला। तो फिनिशर बार भर चुका है कर्ट एंगल का, यहाँ पे पैरों के पास आए और लग गई एंकल लॉक गाइस, जॉन सीना को कर्ट एंगल ने लगा दिया एंकल लॉक और यहाँ पे परफेक्ट एंकल लॉक, पूरा बैठ गया। अब जॉन सीना टैप आउट कर देगा क्या? अरे यार मैं तो भूल ही गया, कुछ बटन दबाना था शायद से। अब देखते गाइस फिनिशर वैसे मेरा आ चुका है, इसके शायद दो फिनिशर थे ना, नहीं एक एंकल लॉक था, एक हवा में भी कुछ मारता था यार वो मुझे याद नहीं आ रहा, अब पता नहीं वो फिनिशर है कि नहीं गाइस, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। रिवर्सल यहाँ पे कर्ट एंगल ने मार दिया है और ये डायरेक्ट पिन फॉल है गाइस डायरेक्ट, और वन टू और यहाँ पे थ्री गाइस, यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली खेला है हमने, वैसे कर्ट एंगल ने खेला है लेकिन बहुत इजीली पिन फॉल हो चुका है, और इसी के साथ कर्ट एंगल है मैच के विनर। हमारा नेक्स्ट मैच होने वाला है गाइस द डेड मैन अंडरटेकर के साथ, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा उस मैच को देखने के लिए, तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी पिछली वीडियो देखनी हो कोई से भी गेम की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।